हेलो फ्रेंड्स, स्टडी नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं यहाँ एमबी बुक की फ्रेजल वर्ब को याद करने का तरीका बताऊंगा, अतः आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आप देख सकते हैं जितने सारे मैंने फ्रेजल वर्ब डाले हैं वे सारे एसएससी एमबी पब्लिकेशन के हैं और सारे पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, सारे पूछे हुए आपके फ्रेजल वर्ब हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, एकॉर्ड टू, एकॉर्ड टू मतलब हो गया प्रदान करना। एकॉर्ड टू को याद कीजिए, आप जैसे एकॉर्ड टू किसी चीज़ को प्रदान कर रहे हैं, जैसे आप कलम को ही हम प्रदान कर रहे हैं, वही एकॉर्ड टू मतलब हो गया प्रदान करना, मतलब देना किसी चीज़ को, एकॉर्ड टू करना। प्रोवाइड, टू प्रोवाइड प्रदान करना। एड अप, एड अप मतलब होता है सत्य या उचित प्रतीत होना। एड अप, सत्य या उचित प्रतीत होना मतलब किसी, एड कब करते हैं, एड कब करते हैं, किसी चीज़ को जोड़ते कब है, जब वो सही चीज़ होता है, जब वो सत्य होता है, तभी ना हम किसी को ऐड करते हैं। तो जब सत्य या उचित प्रतीत होगा तभी ना ऐड करेंगे, ऐड अप करेंगे, वही ऐड अप मतलब हो गया सत्य या उचित प्रतीत होना। टू मेक सेंस। एडमिट ऑफ, एडमिट ऑफ मतलब गुंजाइश होना। एडमिट ऑफ आप जैसे याद कर सकते हैं, एडमिट, एडमिट जैसे किसी हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट कराना है, तो अगर उसमें जगह ही नहीं रहा तो हम एडमिट कैसे कराएंगे, तो गुंजाइश होना, वही हो गया एडमिट ऑफ मतलब गुंजाइश होना। टू हैव द स्कोप, गुंजाइश होना। एंसर फॉर, एंसर फॉर मतलब होता है जिम्मेवारी लेना, एंसर फॉर मतलब होता ही है जिम्मेवारी लेना, ये तो पता ही आप लोग को है। टू बी एंसरेबल फॉर। आस्क आफ्टर, किसी के बारे में पूछताछ करना, जैसे आप किसी, आस्क मतलब होता है पूछना, आफ्टर किसी के बारे में, तो किसी के बारे में पूछताछ करना। टू इंक्वायर अबाउट। अटेंड ऑन, अटेंड ऑन मतलब होता है सेवा करना, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है अटेंड है, खड़ा है, क्यों, किस लिए, तो किसी की सेवा करने के लिए। टू सर्व, अटेंड ऑन मतलब टू सर्व, सेवा करने के लिए।